इस फिल्म में दिखाई गई आधी से ज्यादा घटनाएं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। आप शॉक हो जाएंगे जानकर कि फिल्म में दिखाई गई चीजों का रियल लाइफ से कितना बड़ा कनेक्शन है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस फिल्म में किसी भी बड़े प्लॉट पॉइंट्स का स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो भी आप बेझिझक देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो हो सकता है आपकी जिज्ञासा बढ़ जाए फिल्म देखने के लिए इस वीडियो में दिखाए गए ओरिजिनल इश्यूज को देखने के बाद। शुरुआत करते हैं फिल्म के फर्स्ट हाफ के दूसरे सीन से, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सेट है। जो जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोटे बच्चे इंसेफेलाइट की वजह से मर जाते हैं, जो एक दिमागी बुखार है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होने के कारण। फिल्म में एक बड़े सिंसियर डॉक्टर आईराम को दिखाया गया है, पूरी कोशिश करती है सभी बच्चों को बचाने की, लेकिन इस घटना के पब्लिक होने के बाद सरकार उल्टा इन्हीं डॉक्टरों पर झूठा ब्लेम कर देती है, झूठा इल्जाम लगाया जाता है इन पर और ये जेल में जाती है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों अगस्त 2017 असल जिंदगी में गोरखपुर शहर में। वहाँ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हो जाती है। 3 दिन के अंदर अंदर हॉस्पिटल की पाइप ऑक्सीजन आपूर्ति खत्म हो जाती है। उस वक्त काफिल खान वहाँ पर एक पीडियाट्रिशियन के तौर पर काम कर रहे थे। जब इन्हें पता लगता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है, हॉस्पिटल में अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो खुद से भी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोक्योर करने की कोशिश करते हैं अपने खुद के एक्सपेंस पे। इन्हें एक रियल लाइफ हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन जब इस घटना की खबर मीडिया में आती है, इसके बाद उल्टा इल्जाम डॉक्टर काफिल पर ही डाल दिया जाता है। सरकार इन पर आरोप लगाती है मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन का, सस्पेंड कर दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर 9 महीने तक जेल में रहते हैं। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जेल में कितनी बेरहमी से कितना मारा पीटा गया। 4-5 दिन तक इन्हें भूखा रखा गया। इतनी बुरी हालत थी कि इनकी कमर पर की सो भी नहीं पाते थे। अप्रैल 2018 में जाकर फाइनली इलाहाबाद कोर्ट से इन्हें बेल मिलती है। कोर्ट कहता है कि कोई एविडेंस ही नहीं है कि इन्होंने कुछ गलती की है। 2017 में इंक्वायरी पैनल बनाया जाता है कि इनके ऊपर लगाए गए आरोप बेसलेस है और इनकंसिस्टेंट है। इनफैक्ट इसी पैनल रिपोर्ट में लिखा होता है कि 11 और 12 अगस्त को इनके होनेस्ट एफ्रोस की वजह से 500 से ज्यादा जंबो सिलेंडर इस हॉस्पिटल में आ पाए अलग अलग कंपनियों से। जवान फिल्म में दिखाया गया है कि जब डॉक्टर के पास और ऑप्शंस नहीं बचा था तो अंबु बैग्स देना शुरू कर दिया पेरेंट्स को। ये चीज भी रियल में हुई थी। गोरखपुर ट्रेजेडी के द्वारा रिपोर्ट आई थी कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो पेरेंट्स अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अंबु बैग्स का इस्तेमाल कर रहे थे, आखिरी दम तक कोशिश कर रहे थे पर नाकाम रहे कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। डॉक्टर काफिल का कहना था कि उन्हें स्केप गोट बनाया गया था, ये एक मैनमेड ट्रेजेडी थी। 30 से अधिक चिट्ठियां लिखी गई थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज को, अथॉरिटीज को और यूपी सरकार को। 6.3 लाख का बिल ऑक्सीजन सप्लायर का पेंडिंग था, जो उन्हें पे नहीं किया गया था कुछ महीनों से, और बार बार चिट्ठियों में यही चीज बताई गई कि ऑक्सीजन सप्लायर्स को पे करो, जो ऑक्सीजन की सप्लाई आती रहे हॉस्पिटल में। गोरखपुर ट्रेजेडी के एक दिन पहले 9 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ खुद हॉस्पिटल में गए थे, पूरे हॉस्पिटल की विजिट करी थी इन्होंने। देश में सरकारी हॉस्पिटलों की हालात बहुत खराब है, अक्सर सुनते हैं, एक्चुअली में कितनी खराब है, उसका क्या असर पड़ता है लोगों की जिंदगियों पर, ये पता चलता है इस फिल्म से और गोरखपुर ट्रेजेडी से। सरकारी हॉस्पिटलों की कंडीशन सुधारने के लिए फिल्म में बोल्ड स्टेटमेंट दी जाती है, चाहे तो पूरे देश भर के अस्पतालों को सिर्फ कुछ घंटों के अंदर सुधार दिया जा सकता है। ये चीज थोड़ी ज्यादा फिल्मी हो गई, लेकिन रियल लाइफ में मेरा मानना है कि कुछ घंटे तो नहीं, लेकिन 2-3 वीक में डेफिनेटली सारे अस्पतालों को सुधारा जा सका है और इतनी ही तेजी और इफिशंसी आप अपनी जिंदगी में भी ला सकते हैं। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो फिल्म में दर्शाया गया है वो है खराब हथियारों का। हमारे देश में जवान शहीद होते हैं दुश्मन की गोली से नहीं, बिकॉज हमारे खुद के खराब हथियारों की वजह से इन्हें मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है किसी क्रोनिक कैपिटलिस्ट के द्वारा। इसको लेकर भी रियलिटी से कई सारी रिपोर्ट्स आई है। 2012 में इंडियन आर्मी के चीफ जनरल वीके सिंह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखकर कहते हैं, आर्मी की जो टेक फ्लीट है क्रिटिकल लेमिनेशन की सबसे अधिक कमी है। 2015 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक मल्होत्रा दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल करते हैं, ये आरोप लगाते हुए ब्यूरोक्रेटिक हेडलेस की वजह से हमारे सोल्जर को बेकार हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जान रिस्क पर आती है। इस अपील में घायल जवान का इंटरव्यू उल्लेख किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे डिफेक्टिव इंसास की वजह से छत्तीसगढ़ में एक मसीकर हुए। 2017 एक केक रिपोर्ट मेंशन करती है कि 40% इंडियन आर्मी की एमुनेशन
कंडीशन इतने कम लेवल पर है कि एक बार वो हो जाती है तो 10 दिन से अधिक हथियार नहीं चलेंगे। 2018 इंडियन आर्मी मेड इन इंडिया राइफल्स को दूसरी बार रिजेक्ट कर देती है जब ट्रायल्स के वक्त पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। 2020 एक इंटरनल आर्मी असेसमेंट में फ्लैट किया जाता है किसी खराब हथियार की वजह से, इसीलिए 6 साल में 403 एक्सीडेंट हुए हैं और 27 जवान शहीद हुए हैं। पता न चले कि 9.6 करोड़ रुपीज ये हथियारों को सप्लाई किया गया था ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा। इसके बाद सितंबर 2022 सिर्फ बैक ईयर की रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मेक इन इंडिया पुश की वजह से हमारी डिफेंस फोर्स कुछ क्रिटिकल वेपन सिस्टम इम्पोर्ट नहीं कर पा रही, इसकी वजह से इंडिया काफी असुरक्षित है चाइना और पाकिस्तान से आने वाले थैंक्स को लेकर। इस साल की रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पिछले 5 सालों में करीबन 55 जवानों ने अपनी जिंदगी खोई, 50 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट। एक बड़े टाइम फ्रेम में देखना है तो 2022 की एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया कि 400 से अधिक मिग 21 क्रैश हुए पिछले 60 सालों में। इसकी वजह से 200 पायलट और 60 सिविलियन ने अपनी जिंदगी खोई। इस घटना को रंग दे बसंती फिल्म में भी रेस किया गया था।